कानपुर डिफेंस एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच इलिप्स की एक शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। दोस्तों, आप सभी कृपया कमेंट करके बता जरूर दिया कीजिए कि आपको हमारी शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आ रही हैं या नहीं, ये आपके लिए कितनी किफ़ायती सिद्ध हो रही हैं। आइए दोस्तों, बताते हैं आज की शॉर्ट ट्रिक क्या है। आज की शॉर्ट ट्रिक इलिप्स पर आधारित है, यानी दीर्घवृत्त पर आधारित है। दीर्घवृत्त में नाभियां निकालने पर आधारित है, यानी दीर्घवृत्त की नाभियां कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं नाभियां कैसे निकालेंगे। नाभियों पर आधारित क्वेश्चन पिछले कई ईयर्स में पेपर में देखे गए हैं, तो उसी के लिए मैं आप सभी के बीच इस तरह की ट्रिक लेके आया हूँ। आइए देखते हैं क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें दिया गया एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 की नाभियां ज्ञात करो। तो दोस्तों, नाभियां ज्ञात करने का एक इंटर में हमने ट्रेडिशनल तरीका पढ़ा था, उससे यदि हम सॉल्व करते हैं तो काफ़ी लंबा जाता है। आइए देखते हैं इससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले कई क्वेश्चंस में पूछता है कि इसका अक्ष कौन सा है, यह किस अक्ष को स्पर्श करता है। तो आप ये कैसे निकालेंगे कि किस अक्ष को स्पर्श करता है। तो सबसे पहले हम इसमें यही सीखेंगे कि ये किस अक्ष को स्पर्श करता है। तो देखिए, ये बहुत ही आसान होता है अक्ष को फाइंड करना कि किस अक्ष को स्पर्श करता है। आप इन दोनों में आप ये देखिए कि बड़ा कौन सा है, 25 और 9 में बड़ा कौन सा है, आप ये देख लीजिए। तो यहाँ बड़ा कौन सा है दोस्तों, यहाँ 25 बड़ा है और 25 किसके साथ है, एक्स के साथ है। तो यहाँ ये एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा। यह किस अक्ष को स्पर्श कर, यह एक्स अक्ष पर है, किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। यदि ये एक्स अक्ष पर है तो इसका वाई नाभि क्या होगी, नाभि जीरो होगी और केवल एक्स अक्ष की नाभि होगी। यानी वाई क्या हो गया, नाभि के दो पॉइंट होते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स और वाई, तो वाई वाला पॉइंट जीरो हो गया। अब केवल हमें एक्स वाला निकालना है। तो एक्स वाला निकालने के लिए आप याद रखिए अंडर रूट लगाइए 25 माइनस 9 और ये वाई वाला जीरो चल रहा है, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 में आप 9 घटाएंगे तो आ जाएगा √16,0। अब इस 16 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +-4,0। ये आपकी नाभियां आ गई दोस्तों। क्या आ गई, नाभियां। इसमें किसी को कोई दिक्कत दोस्तों, अगर किसी को यहाँ कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, नेक्स्ट सवाल दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 13 इज इक्वल टू 1 की नाभियां ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आप दोस्तों बताइए कि ये किस अक्ष को स्पर्श करता है, ये भी इसमें बताइए। तो हम देखते हैं कि यहाँ एक्स के साथ 4 दिया गया है और वाई के साथ क्या दिया गया, 13 यानी 13 दिया गया है। तो 4 और 13 में बड़ा कौन सा है, ऑफकोर्स 13 बड़ा है। तो 13 बड़ा है इसलिए ये वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, यानी ये वाई एच में स्थित है, किस पर स्थित है, वाई एच में। अब यदि ये वाई एच में स्थित है तो एक्स का कंपोनेंट जीरो होगा, और वाई का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और 13 में 4 घटा देंगे और ये हमारी नाभियां निकल आएंगी 0, आप इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 9। कितना आएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0, ±3 प्लस माइनस क्या आएगा, 3। ये क्या है दोस्तों, नाभियां हैं, ये नाभियां हैं। आप इस तरह से नाभियों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आप दोस्तों स्वयं चेक कीजिएगा कि आप इंटर में जिस तरह से सॉल्व करते थे, वो जो ट्रेडिशनल तरीका था, उससे यदि आप बोर्ड में सॉल्व करते थे तो आपके नंबर मिल जाते थे। लेकिन यदि आप ये सिलेक्शन एग्जाम में, यानी एयरफोर्स के एग्जाम में यदि इससे सॉल्व करेंगे तो आपका समय बहुत जाएगा और कम सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट सवाल की तरफ। और इससे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को इस ट्रिक का फायदा मिल सके। आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 144 और वाई स्क्वायर अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 की नाभियां। तो इसकी नाभियां निकालने के लिए आप पहले ये देख लीजिए कि ये किस अक्ष को स्पर्श कर रहा। तो यहाँ x और y में बड़ा क्या है, x के साथ 144 दिया गया और y के साथ 169 दिया गया। तो 169 या 144 में बड़ा क्या है, तो 169 बड़ा है ऑफकोर्स दोस्तों। तो यहाँ क्या, ये y अक्ष को किस पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, यानी y अक्ष को स्पर्श करता।
अब इसकी हमें क्या निकालनी है, नाभियाँ। इसका मतलब यदि ये वाई एच को स्पर्श करता है तो एक्स कंपोनेंट 0 हो गया, और वाई निकालने के लिए 169 में 144 आप घटा दीजिए। तो 169 में आप 144 घटाएंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 0.25। कितना आएगा दोस्तों? 25। और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 0.± कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा। 5 आप इसको ये भी लिख सकते हैं, 0.5 और 0.-5, ये आपकी नाभियाँ आ गई दोस्तों। तो आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी दोस्तों, आप ये कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।